अगर देखा जाए तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप देसी मुर्गियों में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली है, टॉप 10 मुर्गियों में से एक है। ऑल इन एवरेज ये मुर्गी सालाना आपको 200 से लेकर 250 के दरमियान अंडे दे देगी। अंडों की क्वांटिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपके फीड का मैनेजमेंट कैसा है, आपके फीड की क्वालिटी कैसी है, रेडीमेड कंपनी का दाना खिला रहे हो या अपने घर का बनाया होममेड फीड खिला रहे हो, गर्मी का मौसम चल रहा है या फिर ठंड का मौसम चल रहा है, इन सभी बातों का इम्पैक्ट आपके मुर्गी के अंडे देने के क्वांटिटी पे और कैपेसिटी पे गिरता है। लेकिन इसके बावजूद आपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप के फीड के मैनेजमेंट अच्छे से ख्याल रखा तो सालाना आपको 220 अंडे आराम से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के स्पेसिफिकेशन के बारे में। देखिए, मैच्योरिटी पे आने के दिन की बात करें तो ये मुर्गी 160 दिन में अंडा देना स्टार्ट कर देती है। 160 दिन मतलब 5 महीने और 10 दिन में ये मुर्गी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। 50% अंडों का प्रोडक्शन आपको ये मुर्गी 180 दिन की हो जाए तो डायरेक्टली मिलना चालू हो जाएगा 50% अंडों का प्रोडक्शन। जैसे ये मुर्गी 190 दिन की हो जाती है तो ये मुर्गी आपको मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन देगी। जी हाँ दोस्तों, ये मुर्गी 190 दिन की जैसी हो जाती है आपको मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन देगी। अगर इसके पीक प्रोडक्शन परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 94% तक के होता है। इसका मतलब आपकी मुर्गियाँ जैसे 190 दिन की हो जाती है और आपके पास अगर 100 मुर्गियाँ हैं तो उसमें से 190 दिन में 94 मुर्गियाँ अंडा देना स्टार्ट कर देगी। अंडे के कलर की अगर बात करूँ तो हल्के भूरे भूरे कलर का इसका अंडा होता है, कभी कभार ये हल्के ब्राउन कलर में भी आ जाता है। एवरेज अंडे का वजन ऑल इन एवरेज 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम के दरमियान होता है। जो ओरिजिनल देसी मुर्गी होती है उससे इस मुर्गी का अंडा बड़ा होता है। मैच्योरिटी पे जब ये मुर्गी आती है तो इसका वजन 1700 से लेकर 1800 ग्राम का होता है और जब ये मुर्गी 2 साल के बाद अंडा देना कम कर देती है तो ऐसे में उसका वजन 2 किलो 200 ग्राम के आसपास ही होना चाहिए। देखिए, वैसे अगर आप इसको रेगुलर कंपनी का फीड देते रहेंगे तो ये 7 से लेकर 8 महीने में 2.5 किलो से लेकर 2 किलो 800 ग्राम तक के वजन गेन कर सकती है। लेकिन अगर आपको ब्लैक एस्ट्रोलॉप से मैक्सिमम अंडों का प्रोडक्शन चाहिए तो आपकी मैच्योरिटी पे जब मुर्गी आती है 6 महीने में तो उस समय में उसका वजन 1600 से लेकर 1700 ग्राम के आसपास ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ये बात एक्सपीरियंस की है कि अगर आपकी मुर्गी 6 महीने में 2 किलो के आसपास की होती है तो आपकी मुर्गी एक तो बहुत लेट अंडे पे आती है या फिर बाकी मुर्गियों के कंपेयर में अंडों का प्रोडक्शन बहुत ही कम देती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मुर्गी 6 महीने में जब भी मैच्योरिटी पे आती है तो आप उसका वजन मेंटेन करके रखिए 1600 से लेकर 1700 ग्राम। जैसे ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है तो उसको पर डे 120 ग्राम ड्राई फीड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसके बॉडी फंक्शनिंग के साथ साथ उसको अंडे का भी डेवलपमेंट करना होता है। किस प्रकार की आप फार्मिंग कर रहे हो उस पर भी ये फीड की मात्रा डिपेंड होती है। देखिए, अगर आप फ्री रेंज सिस्टम में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें से एज कम्पेयर टू केज सिस्टम और बंदिस्त गादी पद्धति के पोल्ट्री फार्मिंग जो अंडे का प्रोडक्शन करते हो उससे थोड़ा फ्री रेंज सिस्टम में आपकी मुर्गी ज्यादा खाएगी। क्यों? तो केज सिस्टम में और बंदिस्त गादी पद्धति में आपकी मुर्गी चलना फिरना बहुत ही कम करती है, इसलिए उसकी एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है। वही अगर हम फ्री रेंज सिस्टम की अगर बात करें तो आपकी मुर्गी काफी दूर दूर तक के चलती है, जिसके वजह से जो भी उसने फीड खाया होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन उसके चलने फिरने में चला जाता है। इसके वजह से एज कम्पेयर टू केज सिस्टम और बंदिस्त गादी पद्धति से फ्री रेंज सिस्टम में आपकी मुर्गी फीड ज्यादा खाती है। इसके बावजूद फ्री रेंज सिस्टम करना है आपको कभी भी बेनिफिशियरी रहेगा क्योंकि आज के मॉडर्न डे की डिमांड है, प्रेजेंट डे की डिमांड है, ऑर्गेनिक अंडों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो कि आपको फ्री रेंज सिस्टम से मिलती है। साथ ही साथ फ्री रेंज सिस्टम में आप काफी ज्यादा फीड की बचत कर सकते हो बजाय इसके कि आपकी मुर्गी थोड़ा फीड ज्यादा खाती है, क्योंकि तो फ्री रेंज सिस्टम में आप पुराना थोड़ी उसको रेडीमेड फीड खिला रहे हो। 50% के आपका फीड खुद ही अरेंज कर रही है वो मुर्गी फ्री रेंज सिस्टम से और 50% या फिर 40% तक के आप उसको रेडीमेड फीड खिला रहे हो। उसके बाद आप लोग और भी एक सवाल पूछते हो कि यह मुर्गी अंडा देने के बाद ये खुद अपने अंडों पे बैठ के अंडे सेती है जिससे कि अंडों से चूजा निकल सके। नहीं दोस्तों, इसकी मुर्गी अंडों पे नहीं बैठती है और ना ही इसके अंडों से चूजा निकलता है। इसके अंडों से चूजा निकलता है अगर ये फाइटर अंडा होगा, अगर आप मुर्गे और मुर्गी एक साथ रखते हो तो, लेकिन ये खुद अपने मुर्गी अंडे पे बैठ के अंडों में से चूजा नहीं निकालती। देखिए, जो आरआर होती है वो सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी नंबर वन है। उसके बाद अगर बात करूँ तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप सेकंड नंबर की मुर्गी है। अगर आपको आरआर का चिक्स नहीं मिलता है तो उस समय में बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी है कि आप ब्लैक एस्ट्रोलॉप का ही चिक्स लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आरआर की मुर्गी सालाना आपको 250 के आसपास में अंडे दे देगी तो आराम से ब्लैक एस्ट्रोलॉप की मुर्गी आपको सालाना 220 से लेकर 230 अंडे दे देगी। नंबर वन पे आरआर आएगी, नंबर दो पे ब्लैक एस्ट्रोलॉप आएगी। अगर आपको बड़े जो मुर्गे होते हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के मुर्गा हो मुर्गी हो, इसकी पहचान किस तरह से करनी है, साथ ही साथ ओरिजिनल ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चिक्स की किस तरह से पहचान करनी है, इसका वैक्सीनेशन स्केड्यूल क्या है, सालाना ये कितना फीड खाती है और भी बहुत सारी बातें, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में
उसी रिलेटेड बनाऊंगा। अगर आपके वीडियो अगर आपके कमेंट उस टॉपिक पे ज्यादा आए तो इसी तरह का एक नॉलेजफुल पॉलिटिकल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।